हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एमकेट की तरफ से आने वाला बूमर FX प्लस ब्लूटूथ स्पीकर का आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं। दोस्तों, इस स्पीकर की खास बात यह है कि ये स्पीकर के साथ साथ आपको पावर बैंक भी मिल जाता है इस स्पीकर के अंदर, यानी कि आप एक स्पीकर में आप दो काम कर सकते, एक तरफ तो आप गाना सुन सकते हैं, दूसरी तरफ आप इसको हैज़ पावर बैंक यूज़ करके अपने डिवाइसेस को चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वाचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और अगर आपको ये एमटेक का बूमर FX प्लस स्पीकर लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको अमेज़न से परचेज किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में दिखाई देता है। बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी गजब का पैकिंग है इसका, आप देख सकते हैं चारों तरफ से काफ़ी अच्छा पैकिंग होकर आया हुआ है। यहाँ पे आपको एमटेक का ब्रांडिंग मिल जाता है और जो इसका मॉडल नंबर है वो है बूमर FX प्लस। जी हाँ दोस्तों, बूमर FX प्लस। और नीचे में आपको मिल जाता है ब्लूटूथ स्पीकर विथ सुपर बास रेडिएटर, ठीक है। और वहीं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका, इसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लूटूथ आपको मिल जाता है 5.0, इनपुट इसमें आपको मिल जाता है ऑक्स, USB, माइक्रो FD कार्ड, ये सारा आपको इसमें इनपुट दिया गया है। और वहीं आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको 12 वाट का आपको स्पीकर मिल जाता है और इसका रेंज है अप टू 10 मीटर। FM रेडियो भी इसमें आपको मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंस का भी आपको इसमें सपोर्ट दिया गया है। प्लेबैक टाइम है 16 आवर्स का और चार्जिंग टाइम है 6 आवर का। और दोस्तों, जो इसमें बैटरी मिल जाता है वो है 4000 mAh का बैटरी आपको इसमें दिया गया है, क्योंकि आप इसको पावर बैंक भी है यूज़ कर सकते हैं और आपको आप इसको स्पीकर भी यूज़ करते हैं, तो दोनों टाइप का आप इसमें यूजेस कर सकते हैं। और इसमें आपको कॉल फंक्शनलिटी भी मिल जाता है, इनबिल्ट माइक भी दिया गया है, वेट है इसका 634 ग्राम का, तो इसका वेट है, ठीक है। और वहीं इसकी MRP की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो इसका MRP मेंशन है बॉक्स में वो है 3499 रुपीज़, और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है अप्रैल 2021 का। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सिंपली ओपन। तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ये रहा हमारा बूमर FX स्पीकर कम पावर बैंक। तो देख सकते हैं ये कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, लुक वाइज काफ़ी गजब का लग रहा है और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक ऑक्स केबल मिल जाता है और एक आपको माइक्रो USB टू USB टाइप आपको केबल दिया गया है। और इसमें इसका क्विक स्टार्ट गाइडेंस मिल जाता है, तो आप इसको देख भी सकते हैं, वैसे इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो आपको सारा चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर है आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ब्लैक और सिल्वर कलर में आपको ये मिल जाता है। बूमर FX प्लस का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाता है और यहाँ पे एमटेक का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है। ये है स्पीकर, इसमें आपको 12 वाट का स्पीकर दिया गया है और नीचे में ग्रिप के लिए यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। अब चलिए इसकी बटन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें मोड का आपको मिल जाता है बटन, ये आपका माइक का है, ठीक है, ये देखिए, और ये आपका पॉज करने का है, ये माइनस और प्लस वॉल्यूम अप एंड डाउन का है। और बैक साइड की बात करें तो इसमें आपको माइक्रो USB मिल जाता है, ऑक्स केबल मिल जाता है ऑन ऑफ़ करने का बटन, और आपको डेडिकेटेड माइक्रो कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे आपको USB भी मिल जाता है। ये USB से आप दो काम कर सकते हैं, एक तो पेन ड्राइव फंसा सकते हैं और गाना सुन सकते हैं और अपने डिवाइसेस को चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सिंपली ऑन करता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको मोड मिल जाता है, ठीक है, इसमें आपको दो मोड मिल जाता है, पहला रेडियो का, ठीक है, मैं वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूँ, कम कर देता हूँ,
अभी मेरे एरिया में रेडियो नहीं चल रहा है, घर के अंदर रेडियो नहीं बताएगा। और दूसरा है ऑक्स रेडियो, ये अभी रेडियो है। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे लगाएंगे ऑक्स केबल, ये देखिए तो ऑडियो इनपुट आपको यहाँ पर से आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करके इसमें म्यूजिक बजा सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि आप इससे कितने तरीके से बजा सकते हैं गाना। एक है ब्लूटूथ, दूसरा है ऑक्स केबल, तीसरा है माइक्रो एसडी कार्ड और चौथा है आपका यूएसबी। आप इससे चार तरीके से आप इसमें गाना चला सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऑक्स केबल से और ब्लूटूथ से गाना को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑक्स केबल के थ्रू मैं आपको म्यूज़िक सुनाकर दिखाता हूँ। तो ये ऑक्स केबल को मैं सिंपली लगाता हूँ अपने मोबाइल में, और मोबाइल में लगाने के बाद मैं NCS का एक गाना सुना देता हूँ। तो चलिए इसको फिर से मैं निकाल कर लगा देता हूँ। ऑडियो इनपुट, तो चलिए अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब देखिए ये NCS का सॉन्ग प्ले हो रहा है। अगर यहाँ से आपको प्लस करना है इसका साउंड तो आप प्लस कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका फुल साउंड है जो आपको मैं अभी सुना रहा हूँ। तो ये रहा दोस्तों इसका ऑक्स केबल का आउटपुट। ऑक्स केबल से आपको कुछ इस प्रकार का गजब का आउटपुट मिल जाता है। आप हेडफोन यूज़ करिएगा इसका साउंड को सुनने के लिए, उसमें आपको सही ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली ऑक्स केबल को निकालता हूँ। तो मैंने सिंपली ऑक्स केबल को निकाल दिया है, और ऑक्स केबल को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम ब्लूटूथ में इसको कनेक्ट करते हैं। तो ब्लूटूथ में कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपली ब्लूटूथ को ओपन करता हूँ। अब ब्लूटूथ को ओपन जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं अवेलेबल डिवाइसेस में MTEG बूमर FX प्लस आ गया है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ और इसको पेयर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है, और इसमें आपको बैटरी लेवल भी बता रहा है कि इसमें बैटरी लेवल आपका 60% बचा हुआ है, 40% यूज़ हो चुका है। तो इसमें आपको बैटरी का भी लेवल आपको दिखाया जाता है। तो चलिए मैं अब सिंपली YouTube ओपन कर देता हूँ और इसको गाना को फिर से प्ले करता हूँ। ये जो म्यूज़िक आ रहा है ये ब्लूटूथ से आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका साउंड आउटपुट। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको इसका जो साउंड का आउटपुट है वो कैसे लगा। इसका साउंड का आउटपुट सुनने के लिए आप हेडफोन को ज़रूर यूज़ करिएगा, उसमें आपको सही ढंग से समझ में आएगा। मोबाइल के स्पीकर में आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो जिस प्राइस रेंज में ये मिलता है दोस्तों आपको, उस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको ये मिल जाता है, ये ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको चार्जिंग करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा मोबाइल, आप देख सकते हैं। मैं इसको सिंपली लगा देता हूँ यहाँ पर, ये अभी ऑन है। आपको जब भी अपना मोबाइल को चार्ज करना है, ये ऑन कंडीशन में होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे USB फंसा देना है, यहाँ पे लगा देना है, और लगाने के बाद आपको अपने मोबाइल में इसको लगा देना है। तो जैसे ही आप इसको मोबाइल में लगाएंगे आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप 56% चार्जिंग, और निकाल देंगे तो चार्जिंग ऑफ हो जाएगा, और फिर से लगा देंगे तो ये फिर से चार्जिंग ऑन हो जाएगा।
तो दोस्तों ये 2-in-1 है, इसमें आपको स्पीकर के साथ साथ पावर बैंक भी मिल जाता है, यानी कि आप एक ही यूनिट में आप अपना स्पीकर भी पकड़ कर जा सकते हैं और पावर बैंक भी पकड़ कर जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप इसको कहाँ से ले सकते हैं और कितने प्राइस में ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको परचेस किया अमेजोन से और ये आपको अराउंड 2299 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। रेट थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, तो मैं इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको ये लेना होगा, ये परचेस करना होगा एमटेक तरफ से आने वाला बूमर FX प्लस ब्लूटूथ स्पीकर, तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इसमें आपको स्पीकर के साथ साथ आपको पावर बैंक भी मिल जाता है और इसमें आपको बहुत बड़ा मेगा बैटरी 4000 mAh का आपको इसमें पावरफुल बैटरी दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।